बारे में बताइए, म्यूजिक कैसा होगा, किसने म्यूजिक दिया है, गाने कितने हैं? जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए, कोयल की आवाज़ आ रही है आप सभी को, और कोयल की आवाज़ साफ कह रही है कि विनय बिहारी जी का म्यूजिक है, और विनय बिहारी भैया ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, और हमारे भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े, मतलब क्या कहूँ, निःशब्द हूँ मैं इस, हाँ, लेजेंड हैं ये, और इन्होंने 8 गाने इस फिल्म के लिए बनाए हैं, और हर गाना टॉप का गाना है, इसलिए नहीं कि ये हमारी फिल्म है, आप सुनेंगे खुद ही, आज नहीं तो कल आपके बीच आएगा ही गाना, और बहुत अच्छा म्यूज़िक बना है, बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे गए हैं, शब्द बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, और फिल्म के मुताबिक लिखे गए हैं, फिल्म के गाने फिल्म को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे गाने लिखे गए, ना कि ज़बरदस्ती डाले गए, कोई एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है इस फिल्म के अंदर, मैं आपको बता दूं, एकदम साफ सुथरा सिनेमा, पारिवारिक सिनेमा, फुल एंजॉयमेंट, फुल एंटरटेनमेंट। आपकी हीरोइन कास्ट जी, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कहा है, हमारी इस फिल्म की हीरोइन है कनक पांडे जी, ठीक है, देव जी इसमें हैं वन ऑफ द लीड रोल, राकेश भैया हैं, मोना रे जी हैं, इस भोजपुरी सिनेमा के में करीब करीब जितने भी के साहब हैं और अनूप अरोड़ा जी हैं, पुष्पा वर्मा जी हैं, मतलब मैं कितना कहूँ, मतलब पूरी भोजपुरी टीम की हमारी मैक्सिमम लोग इस सिनेमा में हैं, तो मैं इन सभी का तहल से शुक्रगुजार हूँ कि हम इनके साथ सिनेमा शेयर कर रहे हैं और वो हमारे साथ हैं, मिलकर बहुत अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश हो रही है। फिल्म के निर्माता जो पहली फिल्म है उनके बारे में क्या? जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ राजेश मिश्रा जी का, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, USS फिल्म्स प्रोडक्शन, बहुत अच्छा कोशिश है उनकी, और उनकी पहले से ही इच्छा थी कि मैं एक साफ सुथरा सिनेमा बनाऊं, और वही सिनेमा बन रहा है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, बुलाओ बुलाओ।